गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुदेश कुमार, योर साइंस टीचर. इन द टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ हीट. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द हीट एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द हीट इज फ्लो. सो द टॉपिक इज अवर टॉपिक इज फ्लो ऑफ हीट. आज का बेटा हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ हीट. हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे फ्लो होती है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना. तो बेटा पहली बात तो यह है कि जो हमने मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रखा है वो तीन जगह कर रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तीनों के लिए आपको पढ़ना होगा कि हीट कैसे फ्लो होती है, सॉलिड में कैसे फ्लो होती है, लिक्विड में कैसे फ्लो होती है और गैसेस में कैसे फ्लो होती है, ठीक है. आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना जानेंगे कि कैसे हीट को फ्लो होती है, किसके कारण हीट को फ्लो होती है, ठीक है. इसी के बारे में सिर्फ हम आज की वीडियो में बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं बेटा. टेम्परेचर ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कॉन्टेक्ट. इसका मतलब है क्या बेटा, जब दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना. तो उसी के बेस पे इन्होंने लिखा है टेम्परेचर ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो इसी के बेस पे लिखा कि टेम्परेचर क्या है, हमारा फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन को बता सकता है. कब, जब दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी एक दूसरे के करीब आती है. कैसे बेटा, अगर बेटा एक बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉडी की बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस बॉडी के पास आएगी, ऐसा मानो यहाँ पर ये फायर है, इसका टेम्परेचर हमने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस है, 120 मान लो, 100 मान लो, जो हमारे हैंड्स है उनका कम मान लो आप 26, 25, 30 ये टेम्परेचर मान लो, तो क्या होगा बेटा, हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जैसे हमारे पास ये आग है, ठीक है ना, फायर है, तो यहाँ क्या इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और हैंड्स जो है उसका टेम्परेचर कम होगा. तो हीट का जो फ्लो होता है बेटा वो हमेशा कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हमारा हीट का फ्लो होता है. फ्लो ऑफ हीट कैन बी कंपेयर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब हम फ्लो ऑफ हीट को फ्लो ऑफ वाटर से भी कंपेयर कर सकते हैं. फ्लो ऑफ वाटर से कैसे, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है, मतलब ऊंचाई की जगह से नीचे की जगह में जाता है. कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि नीचे से पानी ऊपर उल्टी दिशा में जा रहा हो, कि पहाड़ी से नीचे तो आता है लेकिन नीचे से पहाड़ी की तरफ जा रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना. तो वाटर का फ्लो हमेशा कैसा होता है, ऊंचे से नीचे की ओर. ऐसे ही हमारा हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो भी कैसे होता है, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर होता है. कब होगा, जब उनको एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है. वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, जो अभी हमने बताया था, वाटर हमेशा कहाँ से फ्लो होता है बेटा, हायर लेवल से कहाँ को, लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है. इन द सेम वे, उसी तरह हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसी तरह हमारी क्या है बेटा, हीट एनर्जी भी क्या है, हीट भी जो है हमारी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है. ओके बेटा, नेक्स्ट आगे है द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विल कंटिन्यू अंटिल टू टेम्परेचर आर इक्वल. और बेटा ये हीट का जो ट्रांसफर है, ये जो फ्लो है, इस फ्लो को बोलते हैं हीट ट्रांसफर, जो हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जा रही है, ये इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर. फ्लो ऑफ हीट क्या बोलते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर बोलते हैं हम, ठीक है ना. अब बेटा ये जो हीट ट्रांसफर मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है ना. तो बेटा ये हीट ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठीक है. द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विल कंटिन्यू अंटिल द टू टेम्परेचर्स आर इक्वल, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो हमारा हीट एनर्जी फ्लो होती रहेगी, हायर टू लोअर एनर्जी फ्लो होती रहेगी, ठीक है. सिमिलरली हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर इन थ्री वे. मैंने बताया जो हमने मटेरियल के हिसाब से हीट फ्लो को भी किया, तीन तरीके से ये ट्रांसफर हो सकता है.
पहला बोला इन्होंने कंडक्शन, सेकंड बोला कन्वेक्शन और थर्ड वन है हमारा क्या रेडिएशन। तीनों के तीनों हम पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड गैसेज में हमारा हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैसेज तीनों में हमारा ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे अगर हम बात करें कंडक्शन, ठीक है ना, जो आपका टॉपिक होगा कंडक्शन ऑफ हीट, ये हमारा पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कन्वेक्शन ऑफ हीट वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद रेडिएशन, तीनों के तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बेटा कंडक्शन क्या है। कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब है ये कि जब हीट सॉलिड्स में, सॉलिड मतलब जैसे कि मेरे पास ये पैन है, अगर ये आयरन की रोड होती या फिर ये टेबल है मेरे पास, ये टेबल को अगर मैं वन एंड से इस एंड से गर्म करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा बेटा, कुछ देर बाद ये साइड गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या है बेटा, इसका मतलब क्या, हीट एक जगह से दूसरी जगह में सॉलिड में ट्रांसफर हो जाती है हमारी, ठीक है ना। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। और जब हीट हमारी वाटर या गैसेज में फ्लो होती है, जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं, एक हम नीचे से पानी गर्म करते हैं लेकिन सारा पानी ऊपर तक गर्म हो जाता है, बहुत सारा पानी गर्म हो जाता है, तो बेटा वो हीट ट्रांसफर जो पानी के अंदर हो रहा है वो हमारा होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है, या गैसेस के अंदर हो ऐसा तो वो हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है हमारा, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन हमारा होता है जैसे कि सन से हमारी लाइट आ रही है वो हमारा सन रेडिएशन है, बल्ब से निकलने वाली लाइट ये रेडिएशन है। इस तरीके की जो भी लाइट होती है बेटा वो रेडिएशन होता है, जो कि एक अनविजुअल बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है ये, ठीक है ना। उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा बेटा, आज पढ़ा है हमने फ्लो ऑफ हीट कैसे होता है। फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या है, जब हमारा दो बॉडी एक अगर एक दूसरे से अलग अलग टेम्परेचर की एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाई जाती हैं तो हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्लो ऑफ हीट या फिर हीट ट्रांसफर बोल देते हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, जो फ्लो ऑफ हीट है वो कहां से होगा बेटा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। दूसरी बात, ये ट्रांसफर ऑफ हीट तब तक पॉसिबल होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना। यहाँ लिखा है जैसे द टेम्परेचर टू बॉडीज टेम्परेचर आर इक्वल, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा जब तक हमारा हीट ट्रांसफर चलता रहेगा, ठीक है बेटा। ये हमारा था फ्लो ऑफ हीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बेटा कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, जो मैंने बताया आपका कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होगा कि हीट सॉलिड्स में कैसे फ्लो होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट गैसेस और लिक्विड में कैसे फ्लो होगी। उसके बाद रेडिएशन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए बेटा यही है, ओके, थैंक यू बेटा।